हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल। और गाइस, मेरा नाम सुजीत दास है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ब्लॉगर। अगर आपके पास साइड है और आपने फ्री टेम्पल की यूज किया तो उसमें फुटन में जो कॉपीराइट की जो लिंक है उसको हटाना कैसे, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। एक HTML कोड के थ्रू से आप उसको हटा सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, हम अगर किसी की फ्री की जो टेम्पल अगर यूज करते हैं तो फुटन में जो लिंक है ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होकर उस फ्री टेम्पल वाले की ओनर की वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाता है। तो ये चीज हमें हटाना है अपने वेबसाइट से। अपने वेबसाइट में अपना खुद की लिंक होना चाहिए कॉपीराइट के वहाँ पे और खुद की वेबसाइट की टाइटल होना चाहिए। तो गाइस, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आपको दिखाता हूँ आपको, ये जैसे मेरे ये आर्टिकल मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ लिखा है। तो आप इस आर्टिकल की जो लिंक है आपको अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्या क्या करना है इसमें सारी चीजें बताया गया है और आपको मैं दिखाता हूँ। अगर हम किसी की अगर जैसे मैंने अभी इस आपको दिखाने के लिए ये एक टेम्पल मैंने किसी की फ्री में इसमें इंस्टॉल किया, देख सकते हो यहाँ पे क्राफ्टेड बाय टेम्पलेट्स यार्ड, ठीक है। तो ये उनकी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रीडायरेक्ट होके उनकी वेबसाइट में चला जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे खुद की अपना खुद का नाम होना चाहिए और खुद का लिंक होना चाहिए। तो ये काम हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पे थीम में जाना है। थीम में जाने के बाद आपको एडिट HTML आ रहा है, एडिट HTML में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्राफ्टेड विद, तो यहाँ से आप क्राफ्टेड भी कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे कॉपीराइट कंट्रोल F करके यहाँ पे किसी भी जगह में एक बार क्लिक करके कंट्रोल F करना है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे कॉपीराइट भी लिख सकते हो, नहीं तो आप जो मैंने अभी पेस्ट किया था क्राफ्टेड यहाँ पे लिख के आपको एंटर प्रेस करना देना है, ठीक है। एंटर प्रेस करोगे तो आपके इस तरह से आ जाएगा एक, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कंटेनर रो के ऊपर जी ये कंटेनर रो दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने बाकायदा लिखा है, मैंने आपको दिखा देता हूँ। अगर कंट्रोल एफ करने के बाद कॉपी राइट आप करते हो उसके बाद कंट्रोल रो है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फुटर कॉपी रो आपको जो ये कोड है ये कोड आपको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको कंट्रोल रो दिख रहा है, यहाँ फुटर कॉपी रो दिख रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे दो बार स्पेस देना है। जैसे ये रो है तो हमें यहाँ पे क्या करने के दो बार स्पेस देंगे, ठीक है। स्पेस देने के बाद जो हमने कोड अभी ये जो कॉपी किया हमने, इस कॉपी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो 2019 है तो यहाँ से आप 2020 कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ से नहीं होगा, आपको शुरू से करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी नोट बुक में ये कॉपी जो मतलब ये जो टेक्स्ट है आप उसमें डाल के उसके बाद आप ये यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम दिखा देता हूँ मैं क्या करना है। उसके बाद आपको फुटर में ये कॉपी लिंक पेस्ट करने के बाद आपको ये जो कोड है आपको ये आपको दिखेगा, आपको इसके नीचे दिखेगा, तीन से चार बार दिखेगा, ये देखो देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और एक बार आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ये हमने, ठीक है, एक बार एक एंटर दबा के उसके बाद आपको ये पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, सेव थीम्स करेंगे। सेव थीम्स करने के बाद एक बार सेव होने दो, सेव हो गया, ठीक है। सेव होने के बाद यहाँ से बैग हो जाएंगे, तो हम यहाँ से बैग हो जाते हैं, बैग हो जाए तो ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद मैं एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ इसको। रिफ्रेश मारने के बाद अब हम वेबसाइट में विजिट करेंगे। अब देखते हैं हमारी जो ये लिंक है हटा या नहीं हटा। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये लिंक हट चुका है, ठीक है। यहाँ
यहाँ पे कॉपीराइट 2019 पीच एरो ऑल राइट कॉपी रिप्लेस, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट में जाएगा ये, ठीक है, रीडायरेक्ट पे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।